जी ये देखें जी, ये हमने पहन लिए हैं जी टॉप्स अपने, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं मुझे। और मैं जब बाहर आती जाती हूँ तो मैं ये टॉप्स अक्सर पहन लेती हूँ जी। अब दूसरे कान में भी हम पहनेंगे। ईद के मौके पे जी हम जाते हैं जब बाहर, तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। बच्चे जो है वो आइसक्रीम की ज़िद करते हैं, आइसक्रीम जो है गर्मी में बड़ी अच्छी लगती है। और ये देखें मेरे ये कड़े हैं जी, बहुत अच्छे लग रहे हैं जी। ये देखें ये क्या, ओए होए ये तो बहुत ज़्यादा पैसे हैं, सारा हो चुके हैं माला माल। ये देखें इतने ज़्यादा नोट हैं जिसकी जी, सारा ने लेनी है चीज़ें बहुत सारी। और ये देखें सारा इसके क्या क्या चीज़ें कहेंगे, सारा इसके कहेंगे मम्मी डैडी, कोकोमो, मुझे भी दो, और रियो बिस्किट, नूडल्स और जेलियां जी। ये देखें सारा के हाथ में क्या है, नोटों की दत्ती है। ये देखेंगे और जी। ये देखें ये क्या है, 1937 के इंतखाबात जो मुनक्किद हुए कांग्रेस के, और ये अभी तक कांग्रेस का ही लेसन चल रहा है, बरसगीर का, कांग्रेस का, अंग्रेज़ों का, क्योंकि हमारी अभी तक इनसे जान छुटी ही नहीं। हम अभी तक उसी ही चीज़ों में घूम रहे हैं, घूम रहे हैं, घूम रहे हैं, और घूम घूम के जो है ना वो घूमते ही चले जा रहे हैं। हम वहाँ से बाहर निकल ही नहीं पा रहे, हमारे वही चैप्टर चल रहे हैं, हम वही पढ़ रहे हैं बैठ के। और जो है ये देखें ये बच्चा है जो ये किताबें पढ़ता है, और ये देखें ना बच्चों की हालत कैसी सी हो गई है, वही पुराने ज़माने के बच्चे हो चुके हैं पढ़ पढ़ के, इनको समझ ही नहीं आती, यही किताबें पढ़ते रहते हैं, पुराना दकिया नूसी जो है ना लेसन पढ़ पढ़ के बड़े होते जा रहे हैं ये। जी यहाँ पे हम छील रहे हैं जी लहसुन। लहसुन पता है आपको क्या है, लहसुन जी वो चीज़ है जो कि ज़माना कदीम से औरतें छीलते हुए आ रही हैं। लहसुन, अदरक और ये जो मिर्चें वगैरह, इसके बगैर तो हांडी पकती नहीं ना, तसव्वुर ही कोई नहीं दुनिया में इसके बगैर खाने का। और ख़ास तौर पे हम जहाँ मर्जी पाकिस्तान लोग चले जाएँ, हम तो जो है ना ये आलू मटर प्याज ये चीज़ें खाते रहते हैं, और ये खा खा के हम लोग बड़े हो गए। बच्चे जो है ना मोटे सांड बनते जा रहे हैं दिन ब दिन, क्योंकि इसके ऊपर पड़ती है सूरज की।
सारा दिन चेचे बिजी में और बच्चे बम बन के फट जाते हैं। ये देखिए ये क्या कर रही है, ये भी वही चीजें खा रही है जो कि ना सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। और ये मेरा लेकिन फिर भी खोलने की कोशिश करके तो चलो वो नहीं खुला, चलो मैं यही बम गया ना बम वाला चीज ही खोल के खा जाती हूँ, कुछ ना कुछ तो मेरा बन ही जाएगा। ये देखिए क्या हो क्या रहा है, यहाँ पे नाकाम कोशिश हो रही है खोलने की, नाकाम ओहो कामयाब हो गई, ये तो कामयाब हो गई। और ये देखिए ये सारी हुडी खा जाएगी, ये किसी को नहीं देगी, ये सारी चीजें हुडी खानी है इसने। ये देखिए इसका मुंह देख रहे, खाती जाएगी, इसके दांत देखे आपने, दांत ऐसे ही जैसे ना कोई वो होता था एक फनी सा कार्टून करेक्टर जी, वैसा सा इसका चेहरा है, इसके दांत बिल्कुल वैसे हैं। और ये देखिए ये कोको मुंह खा रही, कोको मुंह मुझे भी दो जो कि कोई देता ही नहीं मुझे, अकेले बच्चे जो है ना वो भी खा जाते हैं और मुझे कोई देता ही नहीं है, है? कोई देना चाहता ही नहीं मुझे। ये देखो हम देख रहे हैं कि शायद हमें मिल जाए, ये देखिए दिखा दिखा के खाते हैं बच्चे आजकल के ना, दिखा दिखा के खाते हैं दूसरों को और फिर कहते हैं कोको मुझे भी दो, कोको मुझे भी दो कह देते हैं लेकिन देता कोई भी नहीं किसी को, पांच गिनती के अंदर से निकलती है। जी ये है जी आटा, और यहाँ पे जी हमने बनाया है सालन आलू अंडे का। जी बच्चों को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, आलू अंडे जो है ना बच्चों के फेवरेट हैं। तो चिकन जो है वो हम कम से कम खाते हैं, आपको पता है चिकन में कितनी ज़्यादा बीमारी है, तो बीमारी जो है वो दिन ब दिन फैलती जा रही है। और डॉक्टर्स भी कह रहे हैं कि जी बच्चों को चिकन बिल्कुल भी ना दें क्योंकि बच्चे जो है ना वो मोटे मोटे बनते जा रहे हैं दिन ब दिन। तो लेकिन हम प्रोटीन को पूरा तो ज़ाहिर करना है, तो वो हम अंडों की शक्ल में कभी कभी कर लेते हैं, हफ्ते में जो है ना एक दो दफ़ा अंडे जो हैं वो काफ़ी होते हैं, वो भी गर्मियों के मौसम में, तो हम यही खाते हैं। बच्चों का फेवरेट है अंडे और आलू का सालन, और वो भी जो है ना रोटी के साथ। और यहाँ पे जी अब हम बनाएंगे जी पेड़ा, आटे का हम पेड़ा बनाएंगे, इसको हम मिक्स कर रहे हैं। तो तेज़ मिर्चें बिल्कुल नहीं डाली, यहाँ पे तवा गरम हो रहा है और इसके ऊपर जी अब हम पेड़े बनेंगे और पेड़े बना के रोटियाँ बनाएंगे, और भी जी गरम गरम जो है ना खाना सर्व करेंगे हम गरम गरम सालन के साथ। जी ये देखिए ये मैंने बनाई है अपने लिए प्याज वाली रोटी, और ये है जी दही जिसके अंदर मैंने नमक मिर्च और ज़ीरा डाला है, और ये है जी आलू का सालन, और ये चॉकलेटो, हाँ जी मिर्चें लग जाए ना तो साथ तो हम फटाफट चॉकलेटो जो है ना वो भी खा लेते हैं। और ये देखिए प्लेट जो है ना मैंने स्टील की इस्तेमाल की है, मैं दूसरा बर्तन इस्तेमाल नहीं करती, गरम गरम चीज़ जो है ना वो स्टील के बर्तन में रखना चाहिए, तो स्टील जो है ना बड़ा ज़बरदस्त चीज़ है। और ये देखिए सारे बर्तन जो है ना हम स्टील के ही घर में यूज़ करते हैं, कोई मेहमान आ जाए तो फटाफट निकाल लेते प्लास्टिक का, वरना जी हम जो है ना स्टील के बर्तन में ही खाते पीते हैं। और ये अच्छी तरह से मिक्सिंग हो रही है चम्मच के बगैर, चम्मच जो है ना हम इस्तेमाल ही नहीं कर रहे, हम कहते हैं इसी से मिक्स जो है ना कर लें। जी बहुत ही मज़े की लगती है। और ये प्याज वाली रोटी में आपको बताऊँ इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं जी, जिनको जोड़ों का मसला हो, जिनको गुर्दों का मसला हो, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी है प्याज वाली रोटी, और गर्मियों के मौसम में तो लाजवाब चीज़ है, तो गर्मियों में ये जो है ना लाजमी खानी चाहिए, तो आलू वाली रोटी से ज़्यादा बेहतर है। और बच्चे जो हैं आसपास फेरे हैं जो कि बिल्कुल भी खाना नहीं चाहते, क्योंकि क्यों नहीं खाना चाहते, क्योंकि जी उनको चीज़ मिल गई है, हाँ जी चीज़ से बड़ी कोई और चीज़ तो हो नहीं सकती बच्चों के लिए। और जी देखते रहिए हमारा चैनल और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली।